धर्मशाला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोनों प्रमुख दलों ने अपने अपने चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। 5 वर्ष तक गायब रहने वाले नेता चुनावी मौसम में अचानक प्रकट होने वाले नेता वोट के लिए कुछ भी करते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो धर्मशाला की हैं। इन तस्वीरों में पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह बरमोरी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्र करण जो के रिश्ते में ठाकुर सिंह बरमोरी के भांजे हैं, उनके पक्ष में वोट डालने के लिए वोटरों को रिझाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ बीच सड़क में नाच गाने के साथ साथ डुमके लगाकर वोट मांग रहे हैं। धर्मशाला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दोनों प्रमुख दलों ने अपने अपने चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार में कई तरह के हथकंडे करने में दोनों दल एक दूसरे से पीछे नहीं है। कहते हैं कि सियासत क्या न करवाए, मौसम चुनावी हो या नेता, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। 5 वर्ष तक गायब रहने वाले नेता चुनावी मौसम में अचानक प्रकट होने वाले नेता वोट के लिए कुछ भी करते हैं। जो तस्वीरें आप देखेंगे वो धर्मशाला की हैं। इन तस्वीरों में पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमोरी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्र करण जो कि रिश्ते में ठाकुर सिंह भरमोरी के भांजे हैं, उनके पक्ष में वोट डालने के लिए वोटरों को रिझाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ बीच सड़क में नाच गाने के साथ साथ डुमके लगाकर वोट मांग रहे हैं। आपने ऐसा प्रचार पहले कभी नहीं देखा होगा। ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि पूर्व वन मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को वोट डालने में तब्दील करेंगे।